ब्लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कह सकते हैं, फ्रेमवर्क के ऊपर कह सकते हैं, बना रहे हैं। सही है। ओके तो ब्लेजर जो है एक्चुअली वो है क्या, वो एक चीज है, वेब फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जो कि .NET फ्रेमवर्क 5 के ऊपर वो चल रहा होता है, जो कि हम वेब बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। सही है। उसका जो सबसे बड़ा जो अभी एडवांटेज है, माइक्रोसॉफ्ट क्लेम कर ही रहा है कि आपको जावास्क्रिप्ट को ना आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे आप सी शार्प और अपना HTML और CSS को यूज करते हुए आप अपनी एक वेब बना सकते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, आप फ्रंट एंड भी जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप सी शार्प यूज कर लें, और फ्रंट एंड पे जो है फिर आप क्या कर रहे होंगे, आप रेजर की टैग यूज कर रहे होंगे। रेजर जो है बेसिकली सर्वर साइड मार्कअप लैंग्वेज है। सही है, जो कि हम फ्रंट एंड के लिए यूज कर रहे होंगे, और बैक एंड के लिए जैसे कि हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं सी शार्प यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ब्लेजर जो है वो कॉम्बिनेशन है ब्राउजर प्लस रेजर की, इन लोगों ने इन दोनों को मिला के कुछ बना दिया है ब्लेजर। अच्छा, इसकी जो इसका जो एक एडवांटेज हम कह सकते हैं वो डिबगिंग है। वो डिबगिंग इस तरह से कि अगर हम अभी देखें, करंटली हम जो कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, वेब बना रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें कभी कभार ये भी होता है कि दो डेवलपर इंगेज करने पड़ते हैं। एक बंदा होता है, एक डेवलपर होता है जो कि फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहा होता है, जो कि फ्रंट एंड वो रिएक्ट या एंगुलर या किसी भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क को यूज करते हुए फ्रंट एंड बना रहा होता है, और एक बंदा जो होता है या डेवलपर होता है जो कि बैक एंड के ऊपर काम कर रहा होता है, जो कि हम नॉर्मली वेब API यूज कर रहे होते हैं सी शार्प को यूज करते हुए। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अब अगर आप ब्लेजर को यूज कर रहे हैं तो आपको फिर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल विजुअल स्टूडियो को यूज करते ही आप जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही बना सकते हैं, और इसमें फिर जब आपको अगर अलग अलग होंगे तो उसमें डिबगिंग इस तरह से थोड़ी मुश्किल होती है कि अगर आप रिएक्ट के लिए आप कोई एटम कोई ID यूज कर रहे हैं तो वहां से आप डिबगिंग करते आ रहे होंगे, फिर वो जब वेब API पे कॉल जाती होगी तो फिर विजुअल स्टूडियो के ऊपर आप डिबगिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो थोड़ी हो सकता है मुश्किल हो एज कम्पेयर टू अगर आप एक ही विजुअल स्टूडियो ID यूज कर रहे हो। सही है। और इसमें जो है एक ये भी बेनिफिट है कि आपके जो कोड है जो आपने सी शार्प के अंदर लिखा हुआ है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के ऊपर यूज हो रहे हैं, अगर आपने कोई भी मेथड्स लिखे हुए हैं जो कि बैक एंड पे यूज हो रहे हैं उन्हीं फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, या आपके जो मॉडल्स हो गए क्लासेस हो गए वो भी सारे आप यूटिलाइज कर सकते हो फ्रंट एंड के ऊपर। अदरवाइज ये होता है कि हम रिएक्ट या एंगुलर के ऊपर जा रहे हैं उसके काम कर रहे हैं तो हमें अलग से कुछ मॉडल्स या कुछ लिखने पड़ रहे होते हैं, तो ये एक ओवरहेड जो है वो भी कम हो जाता है। ओके अच्छा, इसमें जो है ना कि अगर हम ये देखें कि जो सी शार्प है वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट एक्चुअली हो किस तरह से रही है, एक वेब असेंबली है जो कि ओपन वेब स्टैंडर्ड है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया है जितने भी नए हमारे मॉडर्न ब्राउजर्स हैं 2017 से आगे के, उसमें एक वेब असेंबली का एक वेब स्टैंडर्ड है जो कि आपके कोड को रन कर रहा होता है एक्चुअली, वो फिर सी शार्प हो या फिर सी शार्प ही नहीं है बल्कि एफ शार्प पाइथन रस्ट सी और C++ करके भी है, उन कोड को भी वो ब्राउजर के ऊपर वो इजीली रन कर लेता है और वो रन करके उनकी बाइनरी बना लेता है, उनको फिर बाइनरी को यूज कर लेता है। तो अगर हम इसको सी शार्प को यूज कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ब्लेजर के ऊपर, तो उसमें एक तो हमें अलग से एडिशनल प्लगइन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जैसे कि अगर हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो कि थर्ड पार्टी भी होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये कि एक बेनिफिट ये होगा कि आप अपने न्यूगेट से ही जितने भी प्लगइन्स हैं वो आप यूज कर सकते हो फ्रंट एंड के अंदर। सही है। ओके अच्छा, अगर हम ये कहें कि ब्लेजर जो है बेसिकली डिवाइडेड है दो होस्टिंग मॉडल्स के ऊपर, जो कि एक है वेब ब्लेजर वेब असेंबली जो कि जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, और दूसरा है ब्लेजर सर्वर होस्टिंग। सही है। ब्लेजर वेब असेंबली जो है वो बेसिकली मोर आर लेस सेम ये रिएक्ट की तरह या एंगुलर की तरह के, वो क्या करता है कि अगर हम वेब असेंबली के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये एक बंडल बना लेती है एक शुरू में, जो कि बंडल जो है वो स्टार्ट में जब भी आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं तो वो पूरे बंडल को एक साथ डाउनलोड कर रही होती है, असेंबली को या CSS को जो भी, अगर आप अपने जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें एक ऑप्शन है एंटर के थ्रू, वो भी है ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना तो वो भी ऑप्शन है आप C# यूज करते हुए आप अपनी वेब बना सकते हो।
और इसकी जो लॉजिक होगी वो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि लॉजिक पूरी क्लाइंट साइड के ऊपर अवेलेबल होगी। आपने जितनी भी सारी चीजें लिखी हुई हैं वो बेसिकली डीएलएल के फॉर्म्स में वो अवेलेबल होती है, वो डाउनलोड हो जाती है आप अगर जब भी चलाते हैं तो। वो अगर डीएलएल अगर किसी बंदे के पास भी अगर चली जाती है तो डिकम्पाइल करके आपकी सारी चीजें देख ही सकता है। ओके, जो दूसरा है बेसिकली ब्लेजर सर्वर, जो कि नाम से पता चल रहा है कि वो एक सर्वर साइड के ऊपर सी रेंडरिंग सारी चलती होती है। तो इसका जो बेनिफिट है कि इसकी जितनी भी रेंडरिंग है, जितनी भी लॉजिक लिखी हुई होती है वो सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है। और जो ब्राउजर को जो है बेसिकली किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता है, या डेटा किस तरह से सेंड कर रहा होता है, या एचटीएमएल किस तरह से अपडेट करवा रहा होता है डोम के थ्रू, वो कर रहा होता है सिग्नल आर के थ्रू। जो भी रिक्वेस्ट होती है ब्राउजर और अपना सर्वर के बीच में, वो सिग्नल आर्क के थ्रू एक परसिस्टेंट कनेक्शन बना हुआ होता है। और जितनी भी मैनिपुलेशन या लॉजिक जो भी एग्जीक्यूट हो रही होती है सर्वर साइड के ऊपर, वो फिर वो एग्जीक्यूट होके वो फाइनली एक डोम बना के वो फिर क्लाइंट को भेज रहा होता है ब्राउजर के बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अगर बेनिफिट्स देखें या इसके प्रोज और कॉन्स देखें ब्लेजर वेब असेंबली के, तो गिने चुने मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि इसके और भी काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट्स भी हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड ही रखे हुए हैं यहाँ पे। सही है कि इसकी एक तो ये है कि आपकी सर्वर की डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, कि सर्वर की डिपेंडेंसी इस तरह से कम होती है कि आपको कोई बहुत ही कोई तगड़ा सर्वर नहीं चाहिए होता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें लॉजिक जो चल रही होती है ब्राउजर के एंड पे चल रही होती है, जो भी ब्राउजर जो भी बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो उस बंदे की मशीन जो भी है उसका ब्राउजर जो है वो ही सारे सीपीयू यूज कर रहे होते हैं किसी भी लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि बेनिफिट के लिए कि अगर इसमें आप ऑफलाइन सपोर्ट भी दे सकते हो, वो अभी हमने करी नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं कि अगर इन केस अगर इंटरनेट बंद भी हो जाता है तो हम किसी तरीके से कोई भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो फिर हम किसी तरीके से लोकल स्टोरेज के ऊपर हम या सेशन स्टोरेज के ऊपर मेंटेन कर लें उसको, फिर जैसे ही इंटरनेट रिकनेक्ट हो जाता है तो वो फिर हम सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं। इसमें भी एक सेम मसला है जैसे कि रिएक्ट एंगुलर के अंदर भी आता है कि इसका जो बंडल या पैकेज साइज होती है वो शुरू में बहुत बड़ी होती है और वो डाउनलोड होने में टाइम लगाती है, तो ये हम ड्रॉबैक कह सकते हैं इसको। और इसके लिए और एक चीज़ ये है कि 2017 प्लस जितने भी ऑनवर्ड ब्राउजर्स आए वो वेब असेंबली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वेब असेंबली को हम शॉर्टकट वेसम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप ओल्ड ब्राउजर के ऊपर अगर हम चलाना चाह रहे हो इसको वेब ब्लेजर वेब असेंबली को, तो वो शायद ना चल पाए क्योंकि उनमें सपोर्ट नहीं होती है वेसम की। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका, जो कि आपके आपको यूज़ करनी है अगर वेब असेंबली तो उसके लिए आपके पास लेटेस्ट ब्राउजर होना लाजमी है। अगर हम ब्लेजर सर्वर की बात करें तो ब्लेजर सर्वर जो है उसका एक तो बेनिफिट ये है कि उसकी जो साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू ब्लेजर वेब असेंबली के, क्योंकि उसमें कोई पैकेज इतने बड़े डाउनलोड नहीं करने पड़ते उसको ज़्यादातर, वो क्योंकि सारी मैनिपुलेशन जितनी भी कोड की एग्जीक्यूशन है वो सर्वर साइड के ऊपर ही होती है, वो सारी इन द एंड में कैलकुलेशन करके एक फाइनल डोम बना के सेंड कर रहा होता है क्लाइंट को या ब्राउजर को, जो कि वहाँ पे उसको लोड करवा के दिखाना होता है। अच्छा, और इसमें ये भी बेनिफिट है कि आप जो है इसको किसी भी ओल्ड ब्राउजर के ऊपर चला सकते हो उसमें, क्योंकि कोई लेटेस्ट चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो कोड होता है इसमें काफ़ी सिक्योर होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी रेंडरिंग या जितना भी काम हो रहा है वो पूरा सर्वर साइड के ऊपर हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल जो हमें डेटा दिखाना होता है वही हम सेंड कर देते हैं ब्राउजर के ऊपर जो कि उसको दिख रहा होता है यूजर को, एंड यूजर को। अच्छा, इसमें अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें जो एक ड्रॉबैक है कि वो एक उनको कनेक्शन मेंटेन करना पड़ता है सिग्नल आर के थ्रू, जो कि वो ब्लेजर वो खुद ही मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन एक तरह से वो परसिस्टेंट एक कनेक्शन चाहिए होता है सर्वर और ब्राउजर के बीच में, जो कि सिग्नल आर के थ्रू मेंटेन हो रहा होता है। और एक तो ये है कि अब जितने यूजर्स भी इस पर यूज कर रहे होते हैं उन सबकी जो स्टेट है वो बेसिकली सर्वर साइड पर मेंटेन हो रही होती है, तो ये बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि इसका बहुत ही बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं इसका ब्लेजर सर्वर साइड के ऊपर। क्योंकि अगर जितने भी यूजर्स हैं उन सबकी जो एक डोम की कॉपी होती है वो क्लाइंट साइड पे ना, और जो क्लाइंट की होती है वो सारी मेंटेन होती है सर्वर साइड के ऊपर, जो सर्वर की जो मेमोरी होती है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर आप कोई ऐसी कुछ बना रहे हो एप्लीकेशन जो एंटरप्राइज लेवल की है जिसको नंबर ऑफ थाउजेंड्स यूजर्स यूज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर सर्वर जो है वो कोई इस तरह का कर यूज करना पड़ेगा जो कि बहुत ही तगड़ा सा हो, जिसकी कोई रैम और स्पेस बहुत अच्छा हो, मेमोरी बहुत अच्छी हो।
उसका एक और ड्रॉबैक ये है कि हम इसमें ऑफलाइन की सपोर्ट हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये जितनी भी सारी चीज़ें कम्युनिकेशन कर रहा होता है वो सर्वर के थ्रू ही कर रहा होता है। तो अगर जैसे इंटरनेट का कनेक्शन ड्रॉप होता है तो आपकी साइट जो है वो बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती है। सही है, तो बेसिकली ये एक बहुत ही शार्ट सा और ये इंट्रो था इसका ब्लेजर का, जो कि हमने अभी रिसेंटली हमने काम किया जिसके ऊपर।